आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको अपनी पिक्चर्स के लिए सही ऑडियंस नहीं मिल रही। तो क्या गलती कर रहे हो, कहाँ गलती हो रही है और मैं क्या करता हूँ, आपको क्या करना चाहिए सोशल मीडिया पर, उस बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। पिक्चर्स अच्छी खींच ली, काम बहुत अच्छा है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी पिक्चर्स देखते ही नहीं। पिक्चर में सब कुछ है जो होना चाहिए, तो सोचना यह है कि उसको देख कोई क्यों नहीं रहा है। आप ये देखो कि आप पिक्चर पोस्ट कहां करते हो, आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट करते हो, आप फेसबुक पे पिक्चर पोस्ट करते हो, तो उसको देखते कहां पर हैं लोग। ज्यादातर लोग, 90-95% लोग आपकी पिक्चर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं देखते, जहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी, 5 इंच का। आपकी पिक्चर्स देखी कहाँ जा रही हैं और किस साइज में देखी जा रही हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या जो पिक्चर्स आप पोस्ट कर रहे हो, अगर छोटी स्क्रीन पे देखा जा रहा है, तो क्या वो छोटी पिक्चर्स अच्छी लगेंगी। प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम पर हम हजारों पिक्चरें एक साथ देख रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट हो रहा है हमारे ऊपर पिक्चर्स का, तो उसमें से स्टैंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत अच्छी सी टिप बताता हूँ, अगर आपकी पिक्चर्स थंबनेल जिस भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी पिक्चर्स एडिट कर रहे हो, वहाँ पर अगर वो थंबनेल में स्ट्रांग लग रही हैं, तो सोशल मीडिया पर उसको लोग ज़रूर देखेंगे। तो मेरा जो रूल है, मैं हमेशा अपनी पिक्चर्स को पहले थंबनेल में देखता हूँ, अगर वो मुझे थंबनेल में स्ट्रांग लग रही है तो उसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तभी मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ। आप भी ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप पिक्चर पोस्ट करने लगें, तो उसको ज़रूर देखें कि वो थंबनेल साइज में कैसी लग रही है, क्या वो स्टैंड आउट हो रही है। तो जब आपका थंबनेल स्ट्रांग लग रहा है, 99% आपकी पिक्चर अच्छी लगेगी, लोगों को पसंद आएगी। एक और सिंपल सा रूल बताता हूँ जो कि बहुत काम आएगा, कि अपनी प्रोफाइल उसको नीट रखो, क्लीन रखो, क्लटर फ्री रखो। अपनी पर्सनल पिक्चर्स को अलग रखें, अपने पापा की, मम्मी की, बहन की, भाई की, दोस्त की पिक्चर्स सेपरेट रखो। इंस्टाग्राम पे तो यार एल्बम्स बनती नहीं है, तो आपका सारा काम एक ही जगह होगा, तो उसको साफ सुथरा रखो, लोग उसको देखें तो सिर्फ आपका काम देखें। लेकिन फेसबुक में आपके पास ऑप्शन है, फेसबुक पे आप क्या कर सकते हो, एल्बम्स बनाओ। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम अलग रखो, पर्सनल काम है उसको अलग रखो, सो दैट पीपल आर फोकस्ड एंड वो जब भी आपकी एल्बम खोलें तो आपका सारा काम दिखे, जो आपका ऑडियंस है वो फोकस्ड रहेगा और आपका काम देखने के लिए आएगा। समझे, कुछ समझ आया? एक और सिंपल सी बात है कि जब भी आप अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, तो मैं उसको पहले प्राइवेट रखता हूँ, अपलोड करो और उसको खोल के देखो मोबाइल फ़ोन पर, मोबाइल फ़ोन पे वो कैसी लग रही है। पता है आज की जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है, वो बहुत चतुर है, वो इतनी अक्लमंद हो गई है कि वो ऐसी वैसी पिक्चरें नहीं देखती, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कहीं पे भी जा सकती है, उसको चाहिए अलग। आपको उसको रोकना है, आपको यूनिक बनना है कि आप उनको अलग क्या दे रहे हो, तो उसको उल्लू नहीं बना सकते आप। अगर आप कुछ अलग दे सकते हो तो वो आपके पास आएंगे। सोशल मीडिया में जब आप पिक्चर्स पोस्ट करते हो, तो जब आप पोस्ट करते हो वाइड शॉट्स को लोग कम देखेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो आपकी पिक्चर्स को एनलार्ज करके देखें। तो अगर आपकी पिक्चर्स में जो स्टोरी है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो बहुत छोटा दिख रहा है और बहुत बड़ा शॉट है, तो वो इग्नोर होगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आप इन टिप्स को फॉलो करें, लेकिन इस टिप को फॉलो करने से कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आपका काम स्ट्रांग नहीं होगा। काम स्ट्रांग है और इन टिप्स को फॉलो करो, लोग, ऑडियंस आपके पिक्चर्स को देखने जरूर आएगी। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, गाजियाबाद रहो, फरुखाबाद रहो या इस्लामाबाद रहो, कहीं पे भी रहो, आते रहना अशोक वर्मा के पास।
तोड़ तोड़